लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में गोरखपुर सदर और बांसगांव सीट के प्रत्याशियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षकों ने सभी प्रत्याशियों एवं उनके एजेंटों को निर्वाचन प्रबंधों व आदर्श आचार संहिता की मूलभूत प्राविधानों से अवगत कराया गया, जिससे स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित हो सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने आदर्श आचार संहिता के नियमों की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि किसी भी जुलूस के शुरू होने के समय व स्थान व रूट चार्ट आदि सहित की अनुमति लेना आवश्यक है, साथ ही यातायात नियमों और अन्य प्रतिबंधों का भी पालन किया जाए, जिससे यातायात में कोई बाधा ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादे कागज की होनी चाहिए, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, प्रतीक या दल का नाम नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा प्रत्याशी की निर्वाचन व्यय सीमा 70 लाख निर्धारित की गई है। निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने हेतु टीमें गठित की गई हैं। सभी प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में 3 बार प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन भी कराना होगा तथा चैनलों पर कम से कम 7 सेकंड के लिए विज्ञापित कराना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम पूरी तरह क्रियाशील है। निर्वाचन प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु निर्वाचन आयोग से प्रेक्षक जनपद में आ चुके हैं और सर्किट हाउस में ठहरे हैं। उनमें आम जन से मिलने का समय प्रातः 9 से 11 बजे निर्धारित है। बैठक में सामान्य प्रेक्षक मलय मिशघोष, पुलिस प्रेक्षक सुधीर पोरिका, व्यय प्रेक्षक सुरेंद्र पाल तथा बांसगांव लोकसभा के सामान्य प्रेक्षक दीपांकर चौधरी, पुलिस प्रेक्षक राजीव रंजन, व्यय प्रेक्षक एम समथा के अलावा SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, ADM सिटी RK श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व लोकसभा के प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो गया अपने पेज और मीडिया साथियों सबको 3 बजे तक स्क्रूटनी का काम समाप्त हो गया और चिन्ह अलॉटमेंट भी हो गया है। सिंबल अलॉटमेंट से खासतौर पर यह हमारे वाहन का परमिशन, रैली का परमिशन और जो भी परमिशन आपको चाहिए, आपको सार प्रचारक आते समय में जो करना है आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके बारे में बताया जाएगा। ये सारे डिटेल अत्यंत आवश्यक है ताकि आप जानते हैं आज से प्रचार का आपका समय प्रारंभ हो गया है, 6 बजे तक प्रचार कर सकते हैं, बट बिना अनुमति को प्रचार अलाउड नहीं है। उसके प्रायर परमिशन लेकर के जो भी आप गाड़ी का परमिशन चाहिए और वो अन्य सामग्री लाना ले आना जो भी चीज है विदाउट अनुमति नहीं करना है। इसके लिए जो सारे तहसील में हमारा ARO साहिबान तैयार बैठे हैं, एकल खिड़की खुला हुआ है, किस समय में आप अप्लीकेशन देंगे हम प्रयास करेंगे 1-2 घंटे के अंदर इनको हल्की मामला तो तुरंत आपको वहीं से ही परमिशन दी जाए। यदि थोड़ा प्रक्रिया लंबा है, मान लीजिए कोई सार का पेड़ आता है, हेलीपैड लैंडिंग करता है, उसको थोड़ा समय लग सकता है, हमें 24 घंटे के पहले आप बता दें ताकि उसका जो लोकेशन हेलीपैड देखना होगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में देखना होगा, फायर पॉइंट ऑफ व्यू में देखना होगा और तमाम एंगल में देखना होता है। इसलिए तो आपसे निवेदन करता हूँ जो भी परमिशन चाहिए आप समय पे अप्लाई कर लीजिए। ऐसे नहीं आज भी मुझे पता चला कोई गीत भी आ रहा है 2 घंटे पहले कोई, आपसे भी चाहता हूँ आप एक एक करके आपको पर्चे बता दें। मैं पहले निवेदन करता हूँ पर्चे आप प्रेक्षक साहब आपको करा कांग्रेसी का प्रेक्षक जो कुछ आगे उसमें हमारा एड्रेस और फोन नंबर एडवर्टाइज किया गया है। यदि आपको कोई जोगाजोग करने का कंप्लेन करना है और कोई इशू है तो आ सकते हैं और फोन पे बात कर सकते हैं। मैं दीपेंद्र चौधरी जनरल ऑब्जर्वर सांसद बांसगांव OBC भरतपुर ट्रांसफर से बात करना चाहता हूँ तो आ सकता है, फोन पर भी बता सकता है। फोन सारे पब्लिक डोमेन ऑलरेडी जिला प्रशासन द्वारा डाला जा चुका है, दोबारा फिर जिला प्रशासन द्वारा दिया जाएगा, आप लोग बिना निसंकोच भाव से संपर्क कर सकते हैं और जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशक है इसके विशेषकर आचार संहिता से संबंधित उसका सबसे अनुरोध है कि वो पूरा पालन करें, परमिशन वगैरह टाइम से दें, नियम वगैरह भी करें और पुलिस से रिलेटेड कोई भी
अगर कोई समस्या हो या कोई बात करना हो तो आप लोग का स्वागत है। आपका कोई शिकायत है तो मेरा नाम, मेरा नंबर और ईमेल दे चुके हैं उनको, तो फोन कर सकते हैं और आपका कंप्लेंट्स में ईमेल भी सेंड करते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार प्रशासन को और